जीएसटी में आ रही कठिनाइयों को दूर करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने गुरुवार को तारामंडल स्थित आयकर भवन परिसर में शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडल के सदस्यों ने एडिशनल कमिश्नर विजय कुमार के माध्यम से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर मंडल के जिला अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी, जिला महामंत्री मदन लाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, जवाहर कसौधन, मदन लाल गुप्ता, विश्व मोहन तिवारी, विशाल गुप्ता, अरशद जमाल सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि जब से जीएसटी लागू हुई है तब से जीएसटी पोर्टल सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। इस कारण व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा व्यापारियों का आए दिन उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त योग्य नहीं है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जवाहर कसौधन ने कहा, ज्ञापन देने हम लोग ज्ञापन जीएसटी के लिए दे रहे हैं। जीएसटी जो लगा बहुत अच्छा कानून लगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। सालों साल से अधिकारी हम लोग को समझाते रहे, प्रशासन शासन समझाता रहा, हम लोग बड़ी अच्छी तरह से माने। लेकिन इस समय जो वाणिज्य कर के लोगों का जो उत्पीड़न है, टैक्स हमसे लें, हम टैक्स देने के तैयार हैं, लेकिन उत्पीड़न न करें। उत्पीड़न के विरोध में हमारे छोटे छोटे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी हर तरह से परेशान हैं। तो हर तरह से परेशान है, तो परेशानी के लिए ही ये हम सरकार नहीं बनाए हैं, ये मेरी सरकार है। मूल रूप से क्या दिक्कत आ रही है? मूल रूप से दिक्कत जो 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 रोडों पर चेकिंग कर रहे हैं, सड़क पर चेकिंग कर रहे हैं, और सही कागज रहते हुए भी हमें परेशान कर किया जा रहा है, तो इससे हमें मुक्ति। कौन लोग परेशान कर रहे हैं, किसके द्वारा? ये बारिज करके लोग परेशान कर रहे हैं। सचल दल SIB जितने लोग हैं बारिज कर से सटे हुए, सब के सब इस समय एक समय उग्र हो गए हैं। लगता है जैसे हम ही लोग आतंकवादी हैं, जो हम ही लोग टैक्स देने वाले, हम ही लोग सरकार बनाने वाले, हमारी सरकार ही, देश हमारा है, और हम ही को आज मैं दे रहा हूँ, मेरे जीएसटी से, मेरे ही जीएसटी देने से आज विकास हो रहा है। सड़क का विकास, नाली का विकास, बिजली का क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? डिमांड है ये उत्पीड़न बंद किया जाए, एक व्यवस्था के तहत काम किया जाए, सरलीकरण सुधार हो जाए, सुधार करने सारे हमारे व्यापार।